आज माननीय विधायक टांडा जी के जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है यहाँ मेडिकल कॉलेज में उनकी माताजी की तबीयत ख़राब थी और उनको चिकित्सा के लिए लाया गया था। डॉक्टरों द्वारा उपचार किया गया उनका जो है, और उपचार करने के बाद उनको हायर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से रिफ़र किया गया था। कुछ एम्बुलेंस को बुलाने की बात को लेकर दोनों लोगों में मतभेद हुआ और वो यहीं की एम्बुलेंस से जाना चाह रहे थे, जबकि 108 नंबर की एम्बुलेंस यहाँ उपलब्ध थी। और इसी बात पर ऐसा बताया गया यहाँ के प्राचार्य द्वारा कि उनके साथ जो है मैन हैंडलिंग की गई, उनको कमरे में बंद रखा गया और फायरिंग की भी बात आई है सामने। इन सारे तथ्यों की जाँच की जा रही है और इसमें जो भी सुसंगत विधिक कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित कराया जाएगा। ये गिरा दिया। अभी कल सवेरे इसको डिसाइड कर लें, लॉयर से पूरा डिस्कस कर लें कि क्या क्या है, उसके बाद ही फिर आगे की वो तय करेंगे क्या करना है। इसमें मतलब अरेस्ट होना चाहिए जो जो कल्प्रिट है, सीधे से बाद एफआईआर प्रॉपर तरीके से तो तभी काम शुरू होगा। अरे वो सर वो एक चीज था, वो एसपी साहब ने कहा जो लड़के को गोली लगी है मेडिकल कराना तो उसका जरूर नहीं ले गए। मेरे पास फोन आया था जस्ट अभी, ले गए एसआर वहां पे है मेरा राजेश है, तो भी फोन किया था सर ले जाने दे, हम कहने पुलिस वाले ले जा रहे हैं मेडिकल होगा नहीं उसके साथ गए हैं। तो थोड़ा होपलेस भी होगा ना, डरा होगा, तो पुलिस वाले आते हो वो उसे वहां पैसा है केस बनाया, क्योंकि सर वो एविडेंस है ना कि गोली उसे लगी है। हां हमारे और कर्मचारी और उसमें गवाह के तौर पे हम लोग हैं कि भाई अंदर भी वो बाहर खिड़की टूटी हुई निकल के गोली मारे, जब 10 एविडेंस विटनेस हो जाएंगे ना तो उनके पास भी इसका तो सबसे पहला है भैया बड़ा एविडेंस ये है कूद के आए नहीं, ये तो उसमें नहीं, अरे ये तो प्यादा है यार, मैं बता रहा हूं ये तो प्यादा हुआ है, ये उसका एक बहुत बड़ा गोली तो उसने खुद चलाई है। गोली तो खुद चलाई सर, उसके पास सोर्स होगा सर, इसमें तो पहले सबसे पहला काम है एफआईआर और काम है लाइसेंस ही होगा सर उसका, इसलिए होगा बगैर लाइसेंस के। नहीं बिना लाइसेंस वाला ही चलाया।